उत्तर प्रदेश के अयोध्या के पुलिस लाइन सभागार में एसपी ग्रामीण ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे के द्वारा सक्रिय अपराधियों एवं मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान पुलिस उपाधीक्षक डी के साही के पर्यवेक्षण में एसटीएफ की टीम लखनऊ और थाना रौनाही में तहसीनपुर टोल प्लाजा से 50 मीटर पहले बहद गांव लखौरी से मुखबिर की सूचना पर 169 किलो 180 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त मोहम्मद जीशान पुत्र अब्दुल कदीम को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरा आरोपी फरमान पुत्र नवाब जान भी गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ पर उन्होंने बताया कि हम लोग आसाम के कूच बिहार से अवैध गांजा आदि मादक पदार्थों की तस्करी कर उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में आपूर्ति करते हैं। 29/30 अप्रैल की रात को एसटीएफ व थाना रौनाही पुलिस संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ा सीजर हुआ है। थाना रौनाही क्षेत्र में तहसीनपुर टोल प्लाजा के पास में पूर्व सूचना के आधार पर हमने चेकिंग लगा रखी थी। उसके पास पे कंटेनर से हमें 169.18 केजी अवैध गांजा बरामद हुआ है। दो अभियुक्तगढ़ भी मौके से गिरफ्तार हुए हैं। उनका यह कहना है कि यह गांजा हुए कूच बिहार वेस्ट बंगाल से लेकर आ रहे थे, मुरादाबाद लेकर जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तगढ़ मोहम्मद जीशान और फरमान जो कि मुरादाबाद मझौला थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही, पूरी सप्लाई चेन को स्टडी किया जा रहा है और जो जो लोग भी शामिल होंगे इसमें उनके सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इनका आपराधिक इतिहास भी हम जानकारी कर रहे हैं, उसके आधार पे भी आगे कार्रवाई। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।